श्लोके दुर्गा शिववाच देवी त्वं भक्त सुलभे सर्वकार्य विधायनी कलाविकार सिद्ध्यर्थम् उपाय ब्रूहि यत्नतः देव्युवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वैश्च साधनम् मया त्वैव सेहेन पिम्बा तुलिः प्रकाशते अस्य श्री दुर्गा सप्त श्लोके स्तोत्र मन्त्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुप छन्दः श्रीमा काली महालक्ष्मी मा सरस्वत्यो देवताः श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम् सप्त श्लोके दुर्गा पाठे विनियोगः ॐ ज्ञानी नाम विचेतासि देवी भगवती सा वलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मिता हर्षि भीतिमशन्तो स्वस्ते स्मिता हरिमति शुभां ददासि दारिद्र्य दुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदाधिचित्ता सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राणो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते रोगान् शेषान् अपहंस दुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् वेषान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताजाशयतां प्रयान्ति सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वारि विनाशनम् ॐ श्री दुर्गायै नमः श्री दुर्गाष्टोत्तर सदनाम स्तोत्रम् ईश्वरवाच सदनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सदि ॐ सदी साध्वी भव प्रीता भवानी भव मोचनी आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्ता चण्ड घण्टा महातपा मनोबुद्धिरहङ्कारा चित्तरूपा चिदाचितिः सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्द स्वरूपिणी अनन्ता भावनी भव्या 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 सदा गतिः शाम्भवी देव माता च चिन्ता रत्न प्रिया सदा सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अवर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलावती पट्टाम्बरपरिधाना कलमञ्जीररञ्जिनी अमेयविक्रमा क्रूरा सुन्दरी सुरसुन्दरी वनदुर्गा च मातङ्गी मतङ्गा मुनिपूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चन्द्री कौमारी वैष्णवी तदा चामुण्डा जैव वाराही लक्ष्मी च पुरुषाकृतिः विमलोत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना
विशुम्भ शुम्भ हरणी महिषासुर मर्दिनी मधुकेतवाग्नि चण्ड मुण्डा विनाशिनी सर्वासुर विनाशा च सर्वदानव घातिनी सर्वशास्त्र मयी सत्य सर्वास्त्र धारिणी तथा अनेक शास्त्र हस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी चैक कन्या च कैशोरी युवती यतिः अप्रौढा चैव प्रौढा च विद्यमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रुद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी या इदम् प्रपदे नित्यम् दुर्गा नाम शताष्टकम् दासाद्यम् विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनम् धान्यम् सुखम् जायाम् अयम् अस्ति नमेव च चतुर्वर्गम् तथा चान्ते लभेन् मुक्तिम् च शाश्वती कुमारीम् पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीम् सुरेश्वरीम् पूजे तया भक्त्या पठे नाम शताष्टकम् कस्य सिद्धिर्भवे देवी सर्वैः सुरवरैरपि राजानो दासदां जान्ति राज्यक्षेमवाप्नुयात् गोरोचनालर्तककुङ्कुमेन सिन्दूरकर्पूरमधुत्रेण विलिख्य यज्ञम् विधिना विधिज्ञ भवेत् सदा धार्यते पुरारिः भौमावास्या निशामग्रे चन्द्रेश दिशाम् गते विलिख्य प्रभटे स्तोत्रम् सभवे सम्पदाम् पदम् ॐ। इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की प्रातःकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामृत से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे हैं। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्ति ही नहीं सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्यारती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पधारते हैं। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। अथ देव्याः कवचम् ॐ अस्य श्री चण्डे कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टवशङ्गः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्तमातरा बीजम् दिगबन्ध देवता सत्त्वम् श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ यद्गुह्यम् परमम् लोके सर्वरक्षाकरण्यनाम् यन्न कस्यचिदाख्यातम् तन्मे ब्रूहि विदामः। ब्रह्म उवाच अस्ति गुह्यतमम् विप्र सर्वभूतोपकारकम् देव्यासु कवचम् पुण्यम् तस्य निष्कामामुने प्रथमम् शैलपुत्री च द्वितीयम् ब्रह्मचारिणी द्वितीयम् चन्द्रगण्डेति कुष्माण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमम् स्कन्दमादेति षष्ठम् कात्यायनीति च सप्तमम् कालरात्रीति महागौरीति च अष्टमम् नवमम् सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिताः उक्तानेकानि नामानि ब्रह्मनैव महात्मा अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयाता शरणम् गताः तादेशाम् जायते किञ्चित् शुभम्रण सङ्कटे तावदम् तस्य पश्यामि शोकदुःखभयम् नहि ये तु भक्त्या सुधारूणम् तेषाम् वृद्धिः प्रजायते ये त्वाम् स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्य संशया वेद संसातु चामुण्डा वाराही महिषासना एन्द्रिगैः समारूढा वैष्णवी गरुडासना
माहेश्वरी विशारूढ़ा कुमारी शिवाना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्तारी प्रिया क्षेत्र रूप धरा देवी ईश्वरी विश्ववाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ सर्वाभरण भूषिता नित्य कामाकरा सर्वा सर्वयोग समन्विता नानाभरण शोभाढ्या नाना रत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढ़ा दिव्या कोल समाकुला शङ्खं चक्रं गदां शक्तिम् अलं च मुसलायुधम् खेटकं दोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्दायुधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च कार्यन्तायुधानि तं देवानां चैताय वै नमस्ते तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि सायि मां देवि दुष्पर्श शत्रूणां भयभद्रि काचा रक्षतु मामेन्द्रियाग्नेयामग्नि देवता दक्षिणावतु वाराहि नैरृत्यां खड्गधारिणि प्रतिष्ठा वारुणि रक्ष वायव्यामृगवाहिनि उदिष्टां पातु कौमारि ऐशान्यां शूलधारिणि ओढं बम्बाणि मे रक्ष अधस्तादैशवे तथा एवं दष्टशो रक्ष चामुण्डा शववाहन जया मे चार्द्रका पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वाम पाशयतु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योगिनी रक्ष गुमा मूर्ति व्यवस्थिता मालाधरि ललाट च भ्रुव रक्ष यशस्विनि दिनता जवोर्मध्ये जवघण्टा जनासिके शङ्कणि चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रोद्वारवासिनि कपोलोकालिका रक्ष तृणमूले तु शाङ्करि नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोश्च चर्चिका अगरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्ता रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्तघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षि चौकं रक्ष वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंश धनुर्धरि नीलग्रीवा बहि कण्ठे नलिकां नलकूबरि स्कन्धयो खड्गणि रक्ष बाहु मे वज्रधारिणि हस्तयो दण्डनि रक्ष अम्बिका चाङ्गुलेषु च नगाञ्जुलेश्वरी रक्ष कुक्ष रक्ष कुलेश्वरी सण रक्षन्महादेवी मनाशोकविनाशिनि हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणि गावोच कामणि रक्ष गुह्यं गुह्येश्वरी तथा भूतना कामिका वैठं गुदे महिषवाणि सत्यां भगवती रक्ष जाननि विन्ध्यवासिनि जङ्गे महाबला रक्ष सर्वकामं प्रदायिनि गुल्भयोर्नारसिंहे च पादपृष्ठ सुतेजसि पादाङ्गुलेषु रक्ष पादादस्थलवासिनि नगादशाकराले च केशांशैवोद्धकेशिनि रोमकूपेषु कौवेरी त्वजा बागेश्वरी तथा रक्तमज्जा वसामासान्यस्ति मेदांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रि च पित्तं च मुकुटेश्वरि पद्मावति पद्मकोश कभे चूडामणि तथा ज्वालामुखी नगज्ज्वालामवेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं बम्बाणि मे रक्ष छायां सत्येश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिर्रक्षन्मे धर्मधारणि प्राणापाणौ तथा व्यानमुदानं च समानकं वज्रस्ताज मे रक्ष प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च जोगणि सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्ष नारायणि सदा आयो रक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवि यशा कीर्तिं च लक्ष्मीं च धन विद्यां च चक्रणि होत्रबिन्दानि मे रक्ष पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रा रक्ष महालक्ष्मीं भार्यां रक्षतु भैरवि
अन्धानां सुभगारक्षन् मार्गं चेमकरे तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वदा स्थिरा रक्षायीनं तुजस्थानं वर्जितं कवचैर्नतु तत्सर्वं रक्ष मे देवे जयन्ति भावनाशिनि पदमेकं न गच्छतु जनेश्च शुभमात्मना कवचेनापितो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थ लाभश्च विजया सार्वकामिका जन् जन् चिन्तयते कामं तन्तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वर मदलं प्राप्यते भूतये पुमान् निर्भयो जायते मत्या सङ्ग्रामेषु पराजितः ते लोके तु भवेत् पूज्या कवचेनापिता पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम् यापने प्रयतो नित्यं त्रिसत्यं सत्यान्विता देवी कला भवेत्तस्य त्रैलोक्ये शपराजिता जीवेन्वर्षशतं सार्धम् अपमृत्यो विवर्जिता नश्यन्ति व्याधयः सर्वे दूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि जद्विषम् अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचरा केचरा चैव चलजा शवदेशिकाः सहजा कुलजा मालाटा गणेशा गणी तथा अन्तरिक्षचरा घोराटा किन्यश्च महाबलाः ब्रह्मभूतपिशाचा च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला कूष्माण्डा भैरवादयः दर्शन्ति दर्शनातस्य कवचैर्दि संसते मानानुतिर्भवे राज्यस्य यो वृद्धिकरं परं यजसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपे सप्तशतीं चण्डे कृत्वा तु कवचं पुरा यावत् भूमण्डलं धत्ते सशैलवणकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्तति पत्रपात्रिके देहान्ते परमं स्थानं दत्सुरैरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन स मोदते अथार्गला स्तोत्रम् ॐ अस्य श्री अर्गला स्तोत्रमन्तस्य विष्णो ऋषि अनुष्टव छन्दः श्रीमहालक्ष्मी देवता श्रीजगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगा ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे वाच ॐ जयन्ति मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गाक्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूतातिहारिणि जय सर्वगदे देवि कालरात्रि नमोऽस्तुते मधुकैडव विद्रावि विधात्रि वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि महिषासुरनिर्नाशि भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि रक्तबीजमगे देवि चण्डमुण्डा विनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि शुम्भस्यैव न शुम्भस्य धूम्राक्षस्य रमर्दिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि वन्दिताङ्गीयुगे देवि सर्वसौभाग्यदायिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि अजन्तरूपचरित सर्वशत्रु विनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि नदेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितावहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि सुभद्रो भक्तिपूर्वं त्वं चण्डिके व्याधिनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि चण्डिके सततं जयत्वं हर्षयन्ति ह भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम्
रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयि विदेहि दिशदाम्नाशं विदेहि बलमुच्यते रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमाश्रियं रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयि सुरासुरचिरोरत्न निर्दिष्टचरण्यम्बिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयि प्रचण्ड दैत्यदर्भग्ने चण्डिके प्रणदाय मे रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयि चतुर्भुज चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयि कृष्णेन संस्तुते देवि शर्षद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयि हिमाचल सुधानाथ संस्तुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयि इन्द्राणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयि देवी प्रचण्ड गोदण्ड दैत्यदर्भा विनाशिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयि देवी भक्तजनोत्तम दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयि पत्नि मनोरमां देहि मनोवित्तानुसारिणि सारिणि दुर्संसार सागरस्य कुलोद्भवान् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु मा स्तोत्रं पठे नरः साधु सप्तशती सञ्चा परमा गुणोति सम्बदा अथ कीलकम् ॐ अस्य श्रीकीलकमन्तस्य शिवऋषि अनुष्टवसङ्गः श्रीमा सरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थम् सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयापातिनिमित्ताय नमः सोमाद्धदारिणे सर्ववेदद्वियानीयान्मन्तानाम विकीलकम् स्वविक्षेमो आप्नोति सततं जाप्य तत्पुरः सिद्ध्यन्तु जाटनादीनि वस्तूनि सकलान्नपि एतेन सुवदां देवि स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति नामङ्गौनौषधं तत्र न किञ्चिदविविद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्राणि विसिद्ध्यन्ति लोकशङ्काभिमामरः यत्त्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम् स्तोत्रं मे चण्डिकायासु तच्च गुप्तं जगारः समाप्तेन च पुण्यस्य तैरथाव्यन्नियन्त्रणाम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः दृष्टायां वा चतुर्दश्याम् अष्टं वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यशेषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् यो निष्कीलाभिधायेन नित्यं जपति संस्फुटम् स सिद्धः स गणासोऽपि गन्धर्वो जायते नरः राजैवाप्यर्थस्तस्य भयं वापिह जायते लाभमित्तुवशं याति मृतो मोक्षमाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वेत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्येव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादिजगत्यन्त दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम् क्षणेषु जप्यमाणे अस्मिन् स्वस्य सम्पत्तिरुच्यकैः भवत्येव समग्रापि तदा प्रारभ्यमेव तत्
ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्य सम्पदः शत्रुहानि परो मोक्षः श्रूयते शाणगञ्जनैः ॐ श्रद्धालु भक्तजन अभी तक श्री वेदव्यास द्वारा विरचित मार्कंडे प्राण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बन जाती है। विशेषतया आपके रोगों शत्रुओं दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है। मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम् Ramara, 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 Ramara.
Sarjana
जटा परमेश्वरी अंतहीनं ध्यायेनं भक्तेनं सुरेश्वरी चतुरिदं मया देवी परिपूर्णं ददातु मे अपराध कदं कृत्वा जगदं देति चोच्चरे यां कदिं तमवापनोति तां ब्रह्मादयासुरापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तं त्वां जगदम्बिके इदानीम् अनुकम्पितोऽहं यथेच्छसि ददातु अज्ञानात् स्मते प्राप्त्या जान्योऽनं अधिकं कृतम् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानन्द विग्रहे विराणाकामिमापि च प्रसीद परमेश्वरी गुह्याति गुह्यगोप्रेतं विहाणास्मत्कृतं जपः सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादा सुरेश्वरी सज्ञा ज्योता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेर वाली दा भोल सांचे दरबार की जय अभी सभी श्रद्धालु भक्तजन तीन बार ओम का अक्षय गणनाद करेंगे एक साथ उच्च स्वर से लंबे स्वर से हृदय से आवाज निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए हे माँ इन पद्म स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामना को पूर्ण करो ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए आप सभी भक्तजन तीन बार एक साथ ओम का अक्षय गणनाद कीजिएगा बिंदुम संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः योगी जन बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसी अक्षर का गुंजायमान सदैव होता रहता है ओंकार अक्षर के जाप से उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है हे माँ इस प्रणव अक्षर ओंकार में अकार उकार और मकार के रूप में ब्रह्मा विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा अर्धमात्रा जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी आप ही हैं सचिया ज्योता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली दा भूल सच्चे दरबार की अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है स्वयं पाठ किया है उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना को पूर्ण करें ऐसी माता इसे प्रार्थना है देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद माता जगदोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचर
देवगण माता से प्रार्थना कर रहे हैं और ऐसा ही भाव हम सभी को भी अपने प्रति रखना चाहिए। शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो, वो संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो, में विशेष विश्व की रक्षा करो। देवी तुम्ही चराचर जगत की अधीशी हो, आधार भूता जगत स्वमेका मही स्वरूप जदास्त दासी अपाम स्वरूप स्थित आप्याते कृष्ण मलंग वीर्य। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी स्थिति है। देवी तुम्हारा पराक्रम अलंग नहीं है, तुम्हें जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम वैष्णवी शक्ति अनंत वीर्या विश्वस्य बीजम परमासि माया सम्मोहितम देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना विमुक्ति हेतु। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो, इस विश्व की कारणभूता परामाया हो। देवी तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है, तुम्हें प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। विद्या समस्ता सब देवी भेदा त्या समस्ता सकला जगत्सु त्वये क्या पूरी तमम भजेत काते स्तुति सभ्य परापरोक्ति। देवी संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं, जगत में जितनी स्थिति हैं ये सब तुम्हारी ही मूर्ति हैं। जगदम्ब एकमात्र तुमने इस विश्व को व्याप्त कर रखा है, तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो स्तवन करो योग पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। सचिया जोता वाली माता सदा जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की। माता महालक्ष्मी जी जिनके धाम में आज आप विराजमान हैं, इनका प्राकट्य कई रूप में हुआ माना जाता है। एक तो ऐसा माना जाता है कि राधा जी के दक्षिणांश से लक्ष्मी जी प्रकट हुई और कृष्ण जी के दक्षिणांश से भगवान विष्णु प्रकट हुए। और दूसरी ऐसी कथा है कि एक बार तीनों लोकों के अधिपति भगवान इंद्र मधुपान से प्रमत्त हुए कैलाश पर्वत से वैकुंठ धाम की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने अपने शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि को देखा और उनको प्रणाम किया। दुर्वासा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद के रूप में भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त पारिजात पुष्प उन इंद्र भगवान को दिया। परंतु इंद्र मधुपान से प्रमत्त थे, अतः अभिमान पूर्वक उन्होंने इस पुष्प को ऐरावत हाथी पर फेंक दिया, जिससे दुर्वासा जी क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि इंद्र तूने मेरे द्वारा दिए गए इस पुष्प का अपमान किया है, अतः लक्ष्मी जी आपके धाम से रूठ करके भगवान विष्णु के धाम में चली जाएं। तब स्वर्गपुरी में देवताओं की नगरी अमरावती है, वहां पर दैत्यों का शासन हो गया और लक्ष्मी जी रूठ करके वहां से भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ में चली गईं। तब सभी देवगण इंद्र भगवान को साथ लेकर के ब्रह्मा तथा शंकर जी को साथ लेकर भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ में गए और उनसे प्रार्थना की कि महाराज लक्ष्मी जी हमारे धाम से रूठ करके आपके जहाँ वैकुंठ में चली आई हैं और वहाँ पर दैत्यों का शासन हो गया है, अतः कोई ऐसी युक्ति ऐसा उपदेश बताइए जिससे हमारे नगरी में स्वर्ग में पुनः लक्ष्मी का वास हो। उससे भगवान विष्णु देवताओं को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि यहाँ शंख ध्वनि नहीं होती, यहाँ शिव का पूजन नहीं होता, यहाँ तुलसी का आरोपण नहीं होता, यहाँ अतिथियों का आदर सम्मान नहीं होता, जहाँ भक्तजन व्रत उपवास संध्या वंदन नहीं करते हैं, सदैव देश भाव से युक्त रहते हैं, हिंसक रहते हैं, वहां से लक्ष्मी रूठ करके चली जाती है। और तब उन्होंने लक्ष्मी को खीर साग के जहाँ उत्पन्न होने के लिए कहा और देवताओं को परामर्श दिया कि आप जो है दैत्यों के साथ मिलकर के खीर साग का मंथन करें। तब सभी देवताओं ने दैत्यों के साथ मिलकर के जो खीर साग का मंथन किया, इसमें उन्होंने मंदाचल पर्व को मथानी और कश्यप को आधार तथा शेष टाको मथाने की रस्सी बना करके खीर सार का मंथन किया, जिससे कई प्रकार के रत्न प्रकट हुए, जिसमें ऐरावत हाथी कामधेनु गाय उच्चेशवा घोड़ा कल्प वृक्ष धनवंतरी जी अमृत का कलश लिए हुए और साथ में लक्ष्मी जी प्रकट हुई। उन्होंने खीर सागर में विराजमान शेषया पर विराजमान भगवान विष्णु को वरमाला अर्पित की। उस समय देवताओं ने लक्ष्मी की स्तुति की और लक्ष्मी माता ने देवताओं पर कृपा दृष्टि डाल दी, अर्थात स्वर्ग में पुनः लक्ष्मी का वास हो गया। इसलिए हम भक्तों में चाहिए कि हमारे घरों में जो लक्ष्मी का निवास हो, हमें भगवान विष्णु द्वारा उपदेशित मार्ग पर चलना चाहिए, अर्थात हमारे घर में तुलसी का आरोपण होना चाहिए, शिव की पूजा होनी चाहिए, शंख ध्वनि होनी चाहिए, अतिथि का आदर सम्मान बात उपवास संध्या बंद रखनी चाहिए और इससे हमारे घर में सदैव लक्ष्मी माता का निवास रहेगा। आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनको आज उन्हीं के धाम में माता महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती जी आदि काल से इस दिव्य गुफा में आपको शक्ति ऐश्वर्य ज्ञान के वरदान से संबंध करती विराजमान। तीनों महाशक्तियां जड़ मूल से एक है, ऊपर आगे तीन स्वरूप और इनके चरणों से गंगा
स्नान क्रांति परिक्रमा करती जा रही है, जिसमें आप स्नान करते हैं, चरणामृत ग्रहण करते हैं। इन्हीं के साथ बाएं हाथ पहाड़ी पर गणपति महाराज, सूरज, चंद्रमा, बटुकधा प्रहलाद जी और साथ में महाराज जी का वरद हस्त भक्तों प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। सामने शंकर भगवान जी शिव रूप में विराजमान और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे कलिकाल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है, जिसमें ऐं के चरण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है, ह्रीं के चरण से ध्यान आश्रय मिलता है, क्लीं के चरण से शक्ति प्राप्त होती है। चामुंडा माता जी का नाम एवं बिच्छे के रूप में आप हमें अभय प्रदान करती हैं। आइए इसी निवारण मंत्र का उच्चारण माता चरण बैठे हुए हम सभी भक्त यहाँ तीन बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा जय बिच्छे। 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 सचियां ज्योतां वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा शेरां वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। घर में भी नित्य प्रति स्नान उपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम एक माला जाप अवश्य करें, जिससे तीनों शक्तियां आपको स्वतः प्राप्त हों और आपकी गृहस्थी सुचारू रूप से चले। दुर्गा वैष्णो माता आप आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं अपने मन में संजोए लाए हैं सभी पूर्ण करें। माता जी का वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहें। सचियां ज्योतां वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा शेरां वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की वेला है, सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता जी बेटों में योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री विजय कुमार जी से अपनी मधुर बयान प्रस्तुत कर रहे हैं श्री विजय कुमार। जयकारा शेरां वाली दा की जय। पेटा लै लै जगत दिए माए कूड़े वाली बाह करके। पेटा लै लै जगत दिए माए कूड़े वाली बाह करके। पेटा लै लै जगत दिए माए कूड़े वाली बाह करके। पेटा लै लै जगत दिए माए कूड़े वाली बाह करके। पेटा लै लै जगत दिए माए वाली बाह करके। जगत दिए माए वाली बाह करके। सारी बात ही नहीं है, कई बार हाथ उठाकर बात करने जा रहे हैं। क्या बात है, रज रज माए तेरा दर्शन पौंदियां। रज माए तेरा दर्शन पौंदियां। बेटा लै लै जगत दिए माए तूरे वाली बाह करके। बेटा लै लै जगत दिए माए तूरे वाली बाह करके। बेटा लै लै बेटा लै लै पेटा लै लै पेटा लै लै जगत दिए माए तूरे वाली बाह करके। जगत दिए माए तूरे वाली बाह करके। वजा नारियल पेटा ले आउंदियां। तेरे आके मैया पेटा चढ़ाउंदियां। पेटा लै लै जगत दिए माए तूरे वाली बाह करके। पेटा लै लै जगत दिए माए तूरे वाली बाह करके। ओ सबन मेरा वंडे मेरा वाली माईए। सबन मेरा वंडे मेरा वाली माईए। ओ कुठा वाली रानी सारी खेड़ रचाईए। सारी खेड़
ਓ ਸਭ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਮਈਆ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੀਏ ਸਭ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਮਈਆ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੀਏ ਓ ਪੇਟਾਂ ਲੈ ਲੈ ਜਗਤ ਦੀ ਮਾਏ ਜਗਤ ਦੀ ਮਾਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਤਾਂ ਮਾਏ ਭੇਟਾਂ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭੇਟਾਂ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਭੇਟਾਂ ਲੈ ਲੈ ਜਗਤ ਦੀ ਮਾਏ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਭੇਟਾਂ ਲੈ ਲੈ ਜਗਤ ਦੀ ਮਾਏ ਵਾਲੀ ਭੇਟਾਂ ਲੈ ਲੈ ਉਹ ਭੇਟਾਂ ਲੈ ਲੈ ਉਹ ਭੇਟਾਂ ਲੈ ਲੈ ਇੱਕ ਬੇਨ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਿੰਦਰ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਮਾਂ ਅੰਬੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਨ ਮੇ ਤੇਰੀ ਆਏ ਹੈ ਮਾਂ ਅੰਬੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਨ ਮੇ ਤੇਰੀ ਆਏ ਮੇਰੀ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਨ ਮੇ ਤੇਰੀ ਆਏ
भवानी संकट हर दे नव बचाने के
ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ ਪਾਵਤਿਆਂ ਵੱਲ ਫੇਰਾ ਦਾਤੇ ਪਾਵਤਿਆਂ ਵੱਲ ਪਾਵਤਿਆਂ ਵੱਲ ਫੇਰਾ ਦਾਤੀ ਪਾਵਤਿਆਂ ਵੱਲ ਫੇਰਾ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਲੜ ਤੇਰਾ ਦਾਤੀ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਲੜ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਲੜ ਤੇਰਾ ਦਾਤੀ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਲੜ ਤੇਰਾ ਹਰ ਦਿਨ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਾਵੇ ਸੀਤਾ ਯਤਨ ਬਥੇਰਾ ਦਾਤੀ ਸੀਤਾ ਯਤਨ ਬਥੇਰਾ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਲੜ ਤੇਰਾ ਦਾਤੀ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਲੜ ਤੇਰਾ ਪਾਪੀ ਮਰਨਿਤ ਪਾਪ ਕਮਾਵੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਦੁਨੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਹੋ ਜਾਏ ਦੂਰ ਹਨੇਰਾ ਦਾਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਦੂਰ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਦੂਰ ਹਨੇਰਾ ਦਾਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਦੂਰ ਭਗਤਾ ਤੇਰੀ ਆਸ ਲਗਾਈ ਹੁਣ ਤੇ ਆ ਜਾ ਸਾਵਲ ਮਾਈ ਹਿਰਦੇ ਕਰੋ ਬਸੇਰਾ ਦਾਤੀ ਹਿਰਦੇ ਕਰੋ ਬਸੇਰਾ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਲੜ ਤੇਰਾ ਦਾਤੀ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਲੜ ਲੜ ਤੇਰਾ ਦਾਦੀ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਲੜ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਮੇਰਾ ਦਾਦੀ ਸੋਇਓ ਆਸਰਾ ਮੇਰਾ ਦਾਦੀ ਸੋਇਓ ਆਸਰਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਲੜ ਤੇਰਾ ਦਾਦੀ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਲੜ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਲੜ ਤੇਰਾ ਦਾਦੀ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਲੜ ਇੱਕ ਬੇਨ ਪੁਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੈਪਾਲ ਜੀ ਜੈਕਾਰਾ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਦੂਰ ਸੇ ਚਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਚਲ ਕੇ ਆਇਆ ਦੂਰ ਚਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇਰੇ
के आया, सूरज चल के आया, तेरे दरबार मां, तेरे दरबार मां, काश खड़ा तेरे दर्शन को, सूरज चल के आया, सूरज चल के आया, तेरे दरबार मां, तेरे दरबार मां, काश खड़ा तेरे दर्शन को। नैया पहाड़ों वाली माँ मेरी, शेरों वाली तेरा दरबार माँ, तेरा दरबार माँ, काश खड़ा तेरे दर्शन को। नैया पहाड़ों वाली माँ मेरी, शेरों वाली तेरा दरबार माँ, दरबार मां तेरे दर्शन को। सूरज चल के आया, सूरज चल के आया, तेरे दरबार मां, तेरे दरबार मां, दास खड़ा तेरे दर्शन को। सूरज चल के आया, चल के आया, तेरे दरबार मां, तेरे दरबार मां, दास कड़ा तेरे दर्शन को। मुझे पर्वत पे मैया, मुझे पर्वत पे मैया, तेरा दरबार माँ, प्यारा दरबार माँ, दास खड़ा तेरे दर्शन को। मुझे पर्वत पे मैया, मुझे पर्वत पे मैया, प्यारा दरबार माँ, प्यारा दरबार माँ, दास खड़ा तेरे दर्शन को। सूरज चल के आया, सूरज चल के आया, तेरे दरबार माँ, प्यारा दरबार माँ, दास खड़ा तेरे दर्शन को। सूरज चल के आया, सूरज चल के आया, तेरे दरबार माँ, तेरे दरबार माँ, दास करा तेरे दर्शन को। जानू जैसे माँ भक्त तुन लाखों तारे हैं, माँ जानू जैसे माँ भक्त तुन लाखों तारे हैं, मधुकैट जैसे राक्षस मैया तूने मारे हैं, मधुकैटव जैसे राक्षस मैया तूने मारे हैं, माँ जानू जैसे माँ भगत तूने लाखों तारे हैं, माँ जानू जैसे माँ भगत तूने लाखों तारे हैं, मधुकैटव जैसे राक्षस मैया तूने मारे हैं, मधुकैटव जैसे राक्षस मैया तूने मारे हैं। भक्तों के लिए मैया, भक्तों के लिए मैया, तेरा दरबार माँ, तेरा दरबार माँ, दास खड़ा तेरे दर्शन को। भक्तों के लिए मैया, भक्तों के लिए मैया, तेरा दरबार माँ, तेरा दरबार माँ, दास खड़ा तेरे दूरस चल के आया, दूरस चल के आया, तेरे दरबार माँ, तेरे दरबार माँ।
तेरे दर्शन को दूर से चल के आया दूर से चल के आया तेरे दरबार तेरे दरबार आज खड़ा जयकारा मेरे शेरा वाली मेरी दा बोल सच्चे दरबार की जय तू दाती दाता बने तेरे चरनी खड़ा सवाली खाली सामान लेके आया नीमा मेरा अज भी पलड़ा था नीमा मेरा अज भी पलड़ा था शेरा वाली माँ मेरी जोता वाली माँ शेरा वाली माँ मेरी जोता वाली माँ ममता दी करी कोई न किनारा ही को तेरा ही सहारा तो रख सेवादार दाते रख सेवादार दाते शेरा वाली माँ मेरी जोता वाली माँ शेरा वाली माँ मेरी जोता वाली ममता दी करी से बचड़े ते छां ममता दी करी से बचड़े ते छां तेरे दरिया आके सिर नु चुकावा दे प्यार दाती कोई न किनारा ही के तेरा ही सहारा मैं तो रख रख सेवादार
रख सेवादार शेरा वाली माँ मेरी जोता वाली माँ शेरा वाली माँ मेरी जोता वाली माँ ममता दी करी नाम तेरे रंग बिच रंगना तेरे उते हाथ होवे होर नहीं ओ मंगना तेरे उते हाथ होवे होर नहीं ओ मंगना तेरे उते हाथ होवे होर नहीं ओ मंगना दाती मन नाम तेरे रंग बिच रंगना तेरे उते हाथ होवे होर नहीं ओ मंगना तेरे उते हाथ होवे होर नहीं ओ मंगना ते गया सारा जी में अंबर चुकारा लादे पार दातिये कोई न किनारा के तेरा ही सहारा मैं पवन चोरा के सेवादार दातिये पवन रख सेवादार दातिये तेरा वाली माँ मेरी जोता वाली माँ तेरा वाली माँ मेरी जोता वाली माँ ममता दी करी से बचे रहते छां पवनज रख कर देवी उपकारवा अख चुना हंजू आवे ऐसा देवी प्यारवा अख चुना हंजू आवे ऐसा देवी प्यारवा पवनज रख कर देवी उपकारवा अख चुना हंजू आवे ऐसा देवी देख लिया सारा माए देखना नजारा ले जा प्यार दातिये कोई न किनारा एक तेरा ही सहारा कवन तेरा कैसे वादार दातिये कवन तेरा कैसे वादार दातिये शेरा वाली माँ तेरा वाली माँ मेरी जोता वाली माँ ममता दी करी से बचड़ दे असा तेरे चरनी प्रीता पाया सकिया कर दे उड़ी तो माए थक गया ਕਰੇ ਉੜੀ ਕਮਾਏ ਥੱਕ ਗਿਆ ਅੱਖੀਆਂ ਕਰੇ ਉੜੀ ਕਮਾਏ ਥੱਕ ਗਿਆ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੁਲਾਰਾ ਤੇਰਾ ਲਾਲ ਮੈਂ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਵਿਸਾਰ ਦਾਤੀਏ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਨਾਰਾ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਮੈਂ ਪਵਨ ਜਰਾ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾਤੀਏ ਪਵਨ ਜਰਾ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾਤੀਏ ਉਹ ਸ਼ੇਰਾ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਸ਼ੇਰਾ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਮਮ ਸਦੀ ਕਰੀ ਸਭ ਤੇਰੇ ਤੇ ਛਾਂ ਮਮ ਸਦੀ ਕਰੀ ਸਭ ਤੇਰੇ ਤੇ ਛਾਂ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਬੋਲੋ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਬੋਲੋ
माता दी बोलो बंधु जय माता दी बोलो जय माता दी बोलो बंधु जय माता दी बोलो जय करा मेरी शेरों वाली मैया जी दा बोल सच्चे दरबार की जय प्रातः स्मरामि शरदिन्दु करोज्जलावा तद्रत्तमन्मकर कुण्डलहार भूषाम् दिव्याजोधोर्जित सुनील सहस्रहस्ताम् रक्तोत्पलाभ चरणा भवती परेशाम् सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेर वालिदा बोल सच्चे दरबार की जय आज विक्रमादित्य शुभ संवत 2075 दक्षिणायन दक्षिण गोल शरद ऋतु आश्विन मास की आज 14 प्रविष्ट हैं कृष्ण पक्षी आज पंचमी तिथि है पंचमी आज प्रातः 7:04 तक है तत्पश्चात षष्ठी तिथि है और आज ही षष्ठी तिथि का खेल भी है अतः आज षष्ठी का श्राद्ध है रविवार तदनुसार 30 सितंबर सन 2018 के दिन दुर्गा माता जी की असीम अनुकंपा द्वारा आप सभी श्रद्धालु भक्तों को माता जी के तपोवन के दिव्यांग में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं आप सभी का माता जी के दिव्यांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा वैष्णो माता दरबार की ओर से आपके साथ विश्व के सभी मातृभक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव पुत्रवान भव श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञावान भव भूरी भूति करणे दाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव बैरी दर्भ दलने व्यापार दक्षो भव श्री शंभुर भव पाद पूर्णता सर्वोपकारी भव मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुनाम बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तव श्रीर्वर्चस्व आयुष आरोग्यमाभिधात् शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः आपकी दीर्घायु हो आपको आरोग्यता प्राप्त हो अब धर्म धन से संपन्न हो जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सार्थक फल देने वाले हों अब सदैव धर्मानुकूल कर्म करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा करा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय अभी सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता जी आरती बोलेंगे सामने दीवार पर आरती लिखी हुई है आपकी पुस्तिका के अंत पृष्ठ पर भी आरती है सभी बोलेगा ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल गौरी मैया जय आनंद तुमको नित दिन धावत मैया जी को नित दिन धावत हरि रामा शिव हरि ओम जय हमे गौरी भाग से दूर विराज की को मृग पद को मैया जी को मृग पद को ओम जय ओम गौरी
श्री पुजारी महाराज माता की पूजा करके गुफा द्वार पर पधार चुके हैं। इस पवित्र गुफा का अखंड ज्योति का पूजन करेंगे। तत्पश्चात माता की आरती होगी। आरती अब सभी भक्तों के बीच में आएगी। सभी भक्त बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती वंदना करना। प्रेम से बोलो जय माता दी, गल मिल बोलो जय माता दी, अभी बेला जय माता दी, राधा बेला जय माता दी, आरती बेला जय माता दी, आप बुला जय माता दी, कष्ट बेला जय माता दी, मेरा कर दी जय माता दी, डोलियों बती जय माता दी, हरे खजाने जय माता दी, सोला आने जय माता दी, गोदा गति जय माता दी, वीर देंदी जय माता दी, लाल देंदी जय माता दी, गाने सुनिया जय माता दी, उसकी बोलो जय माता दी, हाथ भी खोलो ताली बजा के जय माता दी, जोता वाली जय माता दी, लाटा वाली जय माता दी, ढोलिया वाली जय माता दी, कुड़िया वाली जय माता दी, तोड़िया वाली जय माता दी, पहाड़ा वाली जय माता दी, मंदरा वाली जय माता दी, गंडिया वाली जय माता दी, गंडिया वाली जय माता दी, गारा वाली जय माता दी, भवना वाली जय माता दी, शेरा वाली जय माता दी, गुफा वाली जय माता दी, हाथ वाली जय माता दी, जग कल्याणी जय माता दी, मां महारानी जय माता दी, कुंडी रानी गायक देवी जय माता दी, मामा काली जय माता दी, भक्तर वाली जय माता दी, शक्ति देवी जय माता दी, लक्ष्मी मैया जय माता दी, भरतवारी जय माता दी, हरे खजाने जय माता दी, सोला आने जय माता दी, भरत महिमा जय माता दी, हंस द्वारी जय माता दी, विद्या नदी जय माता दी, ज्ञान नदी जय माता दी, बुद्धि नदी जय माता दी, भक्ति नदी जय माता दी, लक्ष्मिया जोता वाली माता तेरी सदा। सभी भक्तियां दोनों हाथ जोड़ करके माता जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। ओम देही सौभाग्यम आरोग्यम, ओम देही सौभाग्यम आरोग्यम, देही मे परमं सुखम, देही मे परमं सुखम, रूपं देही जयं देही, रूपं देही जयं देही, यशो देही द्विजो जही, यशो देही द्विजो जही, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, काकश्चित् दुःखभाग् भवेत्, काकश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः। श्री महाराज आरती प्रारंभ करते हैं। सभी भक्त जहां बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती अक्रम देखिएगा। जय माता दी। जो चरणा दाद्या
दरबार में जल्दी जल्दी बुलाएं।
जल्दी तभी बुलाएंगी जब जहां बैठने की आप अपने आप को काबिल बनाओ। पूरे गज के जागे हुए बोल रहे हैं, दिल से बोल रहे हैं, ऐसी आवाज चले आपकी माता रानी जी किसे आशीर्वाद लेके पूरे हमारे देश में एक शांति और पूरे तरक्की वाला आशीर्वाद लेके जाए। आपकी आवाज गूंजनी चाहिए, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। आशीर्वाद, जय माता दी। छुट्टी माता छुट्टी की माता ही है, छुट्टी छुट्टी लगे अच्छा लग रही अभी क्या ग्रेप्स का ले ऐसे पूरा कप इनको छोटा कर किसान अंगूर है अंगूर है बदाम को ले लो फिर बदाम को बदाम खा लो कल कल बदाम दो कंधे जी को भी शिवा
अभी आप